वीडियो में हम सीखेंगे कि जीमेल में आने वाले अननेसेसरी जो ईमेल्स होते हैं उसे हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम केके है और आप देख रहे हैं केके हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो बिना समय गंवाते आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने जीमेल में लॉगिन करा है, और आप जैसे ही ईमेल जो मैं जीमेल में लॉगिन करेंगे तो आपके पास टॉप में तीन टैब होगा। पहला प्राइमरी, जिसमें आपके प्राइमरी ईमेल्स आते हैं। दूसरा सोशल, तो सोशल वेबसाइट से आने वाले सारे ईमेल्स इस टैब में जाते हैं। और तीसरा है प्रमोशंस, जितने भी प्रमोशनल्स वीडियो होते हैं जो प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो सारे ईमेल्स आपको इसमें आते हैं। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि हम जीमेल यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे हमारे काम के भी ईमेल्स आते हैं, और हमारे इनबॉक्स में यदि बिना फिजूल के ईमेल्स से हमारे इनबॉक्स भर जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको स्क्रॉल करके सर्च करना होता है कि कौन सा ईमेल है जो मेरे काम का है। और ऐसे में चांसेज होता है कि कभी कभी आपके काम के ईमेल भी आप नहीं पढ़ पाएँ और डिले हो जाए। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि फिजूल ईमेल जो बेसिकली प्रमोशनल ईमेल होता है या फेक लॉटरी वाले ईमेल्स आते रहते हैं अक्सर, तो ऐसे ईमेल से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे फ्री हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ऐसे ईमेल्स अक्सर आते हैं तो उसमें अनसब्सक्राइब करने का भी प्रोविज़न होता है, हम कर सकते हैं। जैसे मैजिक ब्रिक्स से मेरे को अक्सर ईमेल आता है, देखते हैं बहुत सारे मैजिक ब्रिक्स से, तो इससे मुझे फ्री होना है। तो बात यह है कि ऐसे ईमेल्स क्यों आते हैं। ऐसे ईमेल इसलिए आते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी वेबसाइट पर जाकर खुद का ईमेल खुद ही रजिस्टर कर देते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्रमोशंस के बारे में अक्सर ईमेल भेजते रहते हैं कंटिन्यूअसली। दूसरा ये होता है कि कहीं भी हम अपना ईमेल शेयर नहीं करते हैं, फिर भी कुछ वेबसाइट्स होता है, उनके सर्वर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली हमें ईमेल सेंड करते रहते हैं। तो इससे आपको फ्री होना आया था कि जैसे मैजिक ब्रिक्स है, इससे अक्सर आ रहा है, मेरा पूरा इनबॉक्स फिल हो रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। आपको स्क्रॉल करने के बाद अक्सर ऐसे ईमेल्स में आपको बॉटम में जाएंगे तो अनसब्सक्राइब का एक बटन देता है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है अनसब्सक्राइब पर। ठीक है ना, तो अनसब्सक्राइब पर मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से लिख रहा है क्लियरली कि ये मुझे अनसब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ तो यहाँ चेकबॉक्स इन्होंने लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको तो इसमें से कोई एक करना है, बटन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अनसब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सक्सेसफुली अनसब्सक्राइब लिख रहा है। तो इस तरह से आप मैजिक बिग से मुझे ईमेल आना बंद हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी जो ईमेल आ चुका है उसका क्या करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसका ईमेल एड्रेस आपको कॉपी करना है यहाँ से, और इस सर्च बॉक्स में जाके आपको सर्च करना है। तो इससे आने वाले सारे ईमेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करके बेसिकली ये जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके सारे ईमेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सारे ईमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे क्लिक करके इसे स्पैम रिपोर्ट कर दे, ठीक है ना। दूसरा यह है कि हम इसे डिलीट कर दे, ठीक है ना। तो ये स्पैम यहाँ देख सकते हो कि रिपोर्ट स्पैम, आप अनसब्सक्राइब कर दो फिर भी यहाँ से ईमेल आना बंद नहीं होता है, तो आप इसे स्पैम भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और अनसब्सक्राइब हमने कर दिया है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं सारे ईमेल्स को। तो इस तरह से आप अपने जीमेल में आने वाले अननेसेसरी ईमेल्स को आप स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को नीचे लाइक बटन से जरूर सब्सक्राइब करें, और जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का एक रीज़न बन सकता है। थैंक यू सो मच।